अदानी मामले में चल रही उथल पुथल के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या अब इन आरोपों से समूह को अपने अधूरे और नए मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए धन जुटा पाना आसान होगा। संकट के पहले अदानी ग्रुप खुद को 260 अरब डॉलर का समूह बताता था, लेकिन इसकी जिन मौजूदा योजनाओं पर काम चल रहा है या इसकी आने वाली योजनाओं पर अगर अमल हुआ तो विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ ही सालों में समूह का आकार दोगुना हो सकता है। सिंगापुर में भारतीय मूल के स्टॉक मार्केट और करेंसी बाजार के विशेषज्ञ वैष्णव वशिष्ठ कहते हैं कि संकट के बादल केवल अदानी समूह पर ही नहीं छाए हुए हैं, बल्कि मोदी सरकार की कई बड़ी योजनाएं भी खतरे में हैं। मुंबई में वरिष्ठ पत्रकार आर्यन भास्कर ने गौतम अदानी की बायोग्राफी लिखी है जो हाल ही में प्रकाशित हुई है। वो कहते हैं कि अदानी समूह को न तो पूंजी की कमी होगी और न ही कर्जों की। वो कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि अदानी ग्रुप को बड़े पैमाने पर उथल पुथल का सामना करना पड़ेगा। फ्रेंच एनर्जी कंपनी टोटल ने कुछ दिन पहले ही कह दिया है कि वो अदानी और उनकी योजनाओं के साथ खड़ी है। हालांकि टोटल ग्रुप ने हाल ही में अपने बयान में कहा है कि अदानी के साथ हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को उन्होंने फिलहाल स्थगित कर दिया है। अदानी के आने वाले कुछ अहम प्रोजेक्ट्स और कारोबार की बात करें तो धारावी पुनर्विकास परियोजना, ग्रीन एनर्जी, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, विमान सेवाएं और MRO अदानी कनेक्ट डाटा सेंटर, गोड्डा थर्मल पावर स्टेशन इसमें शामिल है। विशेषज्ञों की राय इस बात पर बटी हुई है कि अदानी को पेश आए संकट का समूह की नई योजनाओं पर कितना असर पड़ेगा, या फिर निवेशक निवेश करेंगे या नहीं, और कर्ज देने वाले बैंक इसे कर्ज देंगे या नहीं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में अप्लाइड इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं स्टीव एच हैन। वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन की आर्थिक सलाहकार परिषद में रह चुके हैं। वो कहते हैं, अदानी भले ही खत्म ना हुए हों, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। किसी की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए कपटपूर्ण व्यापारिक लेनदेन से बुरा कुछ भी नहीं है, और किसी की प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। आर.एन. भास्कर के मुताबिक अदानी समूह का कैश फ्लो मजबूत है। वो इसका कारण गिनाते हैं, पहला कि अदानी का कैश फ्लो बेहद मजबूत बना हुआ है। उनकी आधी भारतीय परियोजनाएं विनियमित व्यवसाय हैं जिन्हें एकाधिकार माना जाता है। गैस वितरण नेटवर्क को एकाधिकार माना जाता है, बिजली उत्पादन को एकाधिकार माना जाता है, बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क को एकाधिकार माना जाता है, और सरकार निश्चित दर पर इन्हें खरीदती है। अदानी ग्रुप ने निवेशकों को आश्वस्त करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जिसके कारण अदानी एंटरप्राइजेस के शेयरों की कीमतों में गिरावट के बाद भारी उछाल आया है। ये बात सही है कि पिछले 2 साल में अदानी ग्रुप का कर्ज 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए हो गया है, लेकिन ग्रुप कई क्षेत्रों और व्यवसायों में भारत की नंबर वन कंपनी है। उदाहरण के लिए अदानी विल्मर देश में खाद्य तेल कारोबार की सबसे बड़ी कंपनी है। समूह सेब में सबसे बड़ी आपूर्ति चेन है, जो हिमाचल के बाद कश्मीर के सेब के व्यापार में हिस्सेदारी की कोशिश में लगा है। वो पहले से ही निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी अनाज भंडारण कंपनी है। अब समूह की मौजूदा कंपनियों और नई विशाल योजनाओं के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए। खुद अदानी कहती हैं कि उन्हें अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए अगले 10 सालों में 100 अरब डॉलर चाहिए। अब तक उन्हें विदेशी निवेशक और बैंक और भारत के सरकारी बैंक कर्ज देते रहे हैं, लेकिन ताजा संकट के बाद आशंका है कि क्या अब समूह को कर्ज उसी तरह से मिलेंगे जैसे पहले मिलते रहे थे। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्टीव एच हैंके कहते हैं कि विदेशी निवेशक भारत और इसकी कंपनियों में निवेश करने से पहले सोचेंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद से संकटग्रस्त अदानी समूह को कुछ झटके भी लगे हैं और कुछ सपोर्ट भी मिला है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने शुक्रवार को अदानी इलेक्ट्रिसिटी और अदानी पोर्ट्स पर अपने रेटिंग आउटलुक को स्थिर से घटाकर नकारात्मक कर दिया। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने आगाह किया है कि प्रतिकूल विकास अगले 1 से 2 वर्षों में अदानी समूह की धन जुटाने की क्षमता को कम कर सकता है, लेकिन इसने ये भी कहा है कि ये समूह की कंपनियों पर अपनी रेटिंग नहीं बदलेगा। फिच ने कहा है कि उसके अदानी रेटिंग्स पर कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ा है। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स के शेयरों को अतिरिक्त निगरानी के तहत रख दिया है।